हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है साल 2012 का वो मर्डर केस जिसने माँ और बेटी के रिश्ते को तार तार कर दिया था। इस मर्डर ने हर किसी का दिल दहला दिया था। इस केस की मुख्य आरोपी थी इंद्रानी मुखर्जी, जिसने अपनी बेटी शीना बोरा को मार दिया था। ये मर्डर मिस्ट्री दो रीजन से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। पहला ये कि ये मर्डर एक हाई प्रोफाइल केस था, तो दूसरा ये कि इस केस में रिश्तों की जाल ऐसी उलझी थी कि इस मर्डर मिस्ट्री ने पुलिस के साथ साथ देश को भी हिला के रख दिया। एक ऐसी महिला इस कहानी की मुख्य पात्र थी जिसके पास शोहरत की कोई कमी नहीं थी। इंद्रानी मुखर्जी जो एक सक्सेसफुल और अमीर औरत थी, लेकिन रिश्तों के मामले में उतनी ही बदकिस्मत कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इंद्रानी मुखर्जी कम उम्र में सिद्धार्थ दास के नाम के आदमी से शादी करती है, जिससे उन्हें दो बच्चे होते हैं, जिसमें लड़की का नाम शीना बोरा होता है और लड़के का नाम मिखेल बोरा। इंद्रानी और सिद्धार्थ दास 1986 से 1989 तक साथ में रहे और उसके बाद अलग हो गए। उसके बाद वे संजीव खन्ना से शादी करती है और बिजनेस करने की कोशिश करती है। जब बात संजीव से भी नहीं जमती तो वे मुंबई आती है और पीटर मुखर्जी से शादी करती है, जो कि पहले से शादीशुदा होते हैं और उनकी पहली पत्नी से उनके दो बेटे होते हैं। इंद्रानी मुखर्जी और उनके प्रेमी सिद्धार्थ दास की बेटी थी शीना बोरा। शीना 24 अप्रैल 2012 से लापता थी। 21 मई 2012 को शीना बोरा की बॉडी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल से मिलती है। रायगढ़ के जंगल के पास लोकल लोगों को दफनाए गए बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले, जिसके बाद गांव वालों ने यह सूचना लोकल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शीना की बॉडी को कब्र से बाहर निकाला और उसका पोस्टमार्टम कराया। लेकिन कुछ ठोस सबूत ना मिलने की वजह से और बॉडी की पहचान ना होने की वजह से पुलिस ने बॉडी को दोबारा दफना दिया। मुंबई में साल 2015 में शीना बोरा की हत्या का मामला दर्ज होता है और इस तरह से इस मर्डर की पोल खुलती है। बात है जून 2015 की। उस वक्त राकेश मारिया जी मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे। एक दिन उन्हें एक अननोन कॉल आती है जिसमें उन्हें बताया गया कि 3 साल पहले इंद्रानी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी ने एक लड़की का मर्डर किया है। ये टिप यूपी लोकेशन से आया था, बट ये पर्सन कौन था उन्हें पता नहीं चला। टिप मिलते ही राकेश मारिया अलर्ट हो गए, क्योंकि पीटर और इंद्रानी मुखर्जी काफी बड़े नाम थे और उस वक्त सबको ये लगता था कि शीना इंद्रानी मुखर्जी की बहन है। पीटर मुखर्जी एक वक्त पे स्टार इंडिया के सीईओ थे। कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे टीवी शोज इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए थे, और इंद्रानी मुखर्जी INX मीडिया की सीईओ थी, तो दोनों काफी अमीर और पावरफुल थे, तो जरा सी टिप्स के पीछे इन दोनों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए राकेश मारिया जी ने ये डिसाइड किया कि वो अनऑफिशियली इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद ऑफिसर्स को इस केस के बारे में बताया। उन्हें लगा शीना बोरा की मिसिंग रिपोर्ट कहीं तो फाइल की होगी, पर मिसिंग रिपोर्ट कभी फाइल नहीं की गई। तो इसके बाद पुलिस 3 साल पहले क्या हुआ था और कौन कौन इंद्रानी और पीटर के लिए काम करता था, ये सब जानकारी निकालने लगी। तभी उनका ध्यान श्यामवर राय पर पड़ा, जो इंद्रानी का ड्राइवर था। 3 साल पहले वो उसके लिए काम कर रहा था पर बाद में छोड़ दिया था, तो पुलिस इस पर नजर रखने लगी। अगस्त 2015 में श्यामवर राय बैंड्रा के समुद्र के पास था। पुलिस भी वहीं पर थी। पुलिस को देखकर वो डर गया और भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसकी तलाशी ली और उसके पास से एक गन मिली। अरेस्ट होने के बाद उससे पूछताछ की और इंद्रानी मुखर्जी और शीना बोरा के बारे में उससे पूछा गया। पुलिस के सामने श्यामवर राय ने पूरी सच्चाई बताई कि 3 साल पहले क्या हुआ था। उसने बताया कि 3 साल पहले अप्रैल 2012 में इंद्रानी मुखर्जी ने शीना बोरा का मर्डर प्लान किया था और श्यामवर राय को पैसे देकर उसे इस प्लान में शामिल किया था। तो अब ये मर्डर कैसे प्लान किया गया था आपको बताते हैं। इंद्रानी ने शीना को 24 अप्रैल 2012 को अमरसन शॉप के सामने मिलने को बुलाया। शीना जल्दी ही शादी करने वाली थी और इसी बहाने से इंद्रानी ने उसे बोला कि वो उसे कुछ साड़ी और कुछ रिंग दिलाना चाहती है, तो शीना इंद्रानी से मिलने के लिए मान जाती है। शाम के टाइम इंद्रानी अपने ड्राइवर के साथ अमरसन के पास पहुंचती है, बट ये लोग जिस कार में आए थे वो रेंट पर ली हुई थी। इनके साथ संजीव खन्ना भी आते हैं, जो इंद्रानी का ही एक्स हस्बैंड होता है। शीना संजीव और ड्राइवर दोनों को ही जानती थी, इसलिए उसने इतना सोचा नहीं कि संजीव भी वहां क्यों आया है। इंद्रानी और शीना जब शॉपिंग कर लेते हैं तो वो कार में बैठ गए। फिर इंद्रानी शीना को पीने के लिए पानी ऑफर करती है, जिसमें पहले से ही बेहोशी की दवाई मिली हुई थी, जिस वजह से पानी पीने के कुछ देर बाद शीना बेहोश हो गई। तो ड्राइवर ने गाड़ी ले जाकर एक सुनसान सड़क पर रोक दी। फिर संजीव और ड्राइवर दोनों कार से उतरे और शीना को जोर से पकड़ लिया और इंद्रानी मुखर्जी ने शीना का गला दबाकर उसको मार दिया। उसके बाद वो शीना की बॉडी को कार में रखकर इंद्रानी मुखर्जी के घर जाते हैं और वहीं पर आकर वो एक बड़े से सूटकेस में शीना की बॉडी को डाल देते हैं और इंद्रानी के अपार्टमेंट के गैराज में उसको रख देते हैं। मर्डर के अगले दिन ये लोग मिलने वाले थे, क्योंकि इंद्रानी ने पहले ही प्लान बना लिया था कि बॉडी को कहाँ लेकर जाएंगे और कैसे उसको डिस्पोज करेंगे। तो ये लोग अगले दिन बॉडी को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं और उस जंगल में शीना बोरा की लाश को जला देते हैं। ये करने के बाद
वो वापस मुंबई आ जाते हैं। इसके बाद इंद्राणी ड्राइवर को धमकाती है कि अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया तो वो उसको भी मार देगी, और जो भी सबूत है उनको ठिकाने लगाने के लिए कहती है। इंद्राणी ड्राइवर को एक पार्सल भी देती है और उसे संभाल कर रखने को कहती है। अब ये जो पार्सल था वही इन सबको फंसाने वाला था। ये पार्सल श्यामवर राय ने अपने पास तो रख लिया, लेकिन इंद्राणी कभी उसे वापस लेने ही नहीं आई। इस हादसे के 3 साल बाद तक ये पार्सल ड्राइवर के पास ही रहता है और वो उसे कभी खोलता ही नहीं। बट 2015 में जब फाइनली वो उसे खोलता है तब उसके अंदर से गन निकलती है। जब श्यामवर राय ये गन देखता है तो उसे फेंकने के लिए जाता है। जिस दिन वो गन को ठिकाने लगाने बैंड्रा में निकलता है उसी दिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और ये मर्डर केस पूरा सामने आ जाता है। अब ये इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा से इतनी नफरत क्यों करती थी, तो इसका जवाब है उसके पास्ट में। इंद्राणी का जन्म गुवाहाटी में 1972 में हुआ था और जब वे नाबालिग थी तो उन्होंने सिद्धार्थ दास के साथ शादी कर ली थी। 1987 में इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम शीना बोरा रखा जाता है। शीना बोरा कभी उसकी बहन नहीं थी, उसकी बेटी थी। और 1988 में इंद्राणी का एक और बेटा होता है जिसका नाम मिखेल बोरा था। ये कपल काफी यंग था तो ये खुद के खर्चे नहीं उठा पा रहे थे, तब इंद्राणी के पेरेंट्स ही इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इंद्राणी ने जोश जोश में शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे बाद में रियलाइज हुआ वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। तब उसने फैसला लिया कि वो सिद्धार्थ को छोड़ देगी और अपने 2 बच्चों को अपने माँ बाप के पास छोड़ देगी। आगे जाकर इसके पेरेंट्स ने शीना और मिखेल को लीगली अडॉप्ट कर लिया। 1990 में जब इंद्राणी 18 साल की थी तब उसने अपना घर छोड़ दिया और कोलकाता जाकर आगे की पढ़ाई की। क्योंकि उसने सिद्धार्थ के साथ शादी कम उम्र में की थी इसलिए इसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे उसकी पास्ट लाइफ को ट्रैप किया जा सके, इसलिए इसने कोलकाता आकर एक कहानी बनाई क्योंकि यंग थी, सिंगल थी और अमीर बनना चाहती थी। इसी दौरान ये संजीव खन्ना से मिली। ये वही आदमी था जिसने मर्डर में साथ दिया था। संजीव एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और बहुत ही अमीर था। और 1993 में इंद्राणी और संजीव ने शादी कर ली और इन दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम विधि रखा गया। और उसी दौरान इंद्राणी ने INX मीडिया करके एक कंपनी स्टार्ट की। अभी वो जो चाहती थी उसे वो सब मिल गया, पर उसे अभी और पावरफुल और अमीर बनना था। कुछ साल बाद वो एक इवेंट में पीटर मुखर्जी से मिलती है जो एक फेमस ब्रिटिश टेलीविजन एग्जीक्यूटिव था और ये बहुत पावरफुल और रिच थे, पर ये पहले से शादीशुदा थे लेकिन इनका डिवोर्स हो चुका था। इंद्राणी को पीटर से शादी करनी थी इसलिए उसने अपने दूसरे पति संजीव को डिवोर्स दे दिया था। पीटर के ऑलरेडी 2 बच्चे थे, राहुल और रावी मुखर्जी। साल 2002 में पीटर और इंद्राणी ने शादी कर ली। इंद्राणी अपनी बेटी विधि से बहुत प्यार करती थी इसलिए उसने पीटर से उसे गोद लेने के लिए कहा ताकि आगे जाकर उसे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले। अब इंद्राणी के पास बहुत पैसे थे जबकि उसके पेरेंट्स गुवाहाटी में स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो इसके 2 बच्चों का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। तो इंद्राणी से शीना और मिखेल के हायर एजुकेशन के लिए मदद मांगते हैं, तो इंद्राणी अपने पेरेंट्स को बच्चों के साथ कोलकाता आने के लिए कहती है। मिलने के बाद इंद्राणी ने बच्चों से कहा कि वे उनका सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में वे किसी को ये नहीं बताएंगे कि वे उसकी माँ है। वे सबसे उन्हें अपने भाई बहन कहकर ही इंट्रोड्यूस कराएगी। शीना और मिखेल इस बात के लिए मान जाते हैं और इंद्राणी को वे दीदी कहकर बुलाने लगते हैं। उसके बाद इंद्राणी इन दोनों को अपने साथ मुंबई ले गई। वहीं पर शीना की मुलाकात राहुल मुखर्जी के साथ होती है जो पीटर मुखर्जी का ही बेटा होता है और इंद्राणी का स्टेपसन होता है। शीना और राहुल एक दूसरे को डेट करने लग गए। अब ये रिश्ता देखा जाए तो काफी वियर्ड था क्योंकि शीना इंद्राणी की डॉटर थी जबकि उसकी फैमिली को लगता था कि वे उसकी सिस्टर है। शीना और राहुल का रिलेशनशिप था वे इंद्राणी को काफी बुरा लग रहा था। इंद्राणी ने शीना को काफी बार समझाया कि वे राहुल से दूर रहे और उससे अपना रिश्ता खत्म कर दे। उसने उसको डराया, धमकाया, पर शीना नहीं मानी। शीना राहुल को सारी सच्चाई बता देती है कि वे इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि बेटी है, और राहुल शीना से काफी प्यार करता था इसलिए उन दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। अब इंद्राणी को इससे यह प्रॉब्लम थी कि अगर शीना और राहुल की शादी हो जाती है तो शीना इंद्राणी और इसकी दूसरी बेटी विधि से भी ज्यादा अमीर हो जाएगी क्योंकि राहुल पीटर का सगा बेटा है, एंड ऑफ कोर्स वो उसको सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी देने वाला था। पर शीना इंद्राणी की कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं थी और वो राहुल के साथ ही रहना चाहती थी। तो इंद्राणी ने शीना के सिंगापुर वाले अकाउंट में जो भी पैसे ट्रांसफर करे थे वे शीना से वो वापस मांगने लगी, जो शीना वापस नहीं दे रही थी। शीना ने इंद्राणी के आगे कंडीशन रखी, अगर उसे पैसे वापस चाहिए तो उसे उसको पाली हिल्स में एक घर देना पड़ेगा और एक गाड़ी देनी पड़ेगी, जिसके बाद वो अपने सिंगापुर अकाउंट से उसे सारे पैसे वापस दे देगी। इंद्राणी पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी और यही हुआ। उसने शीना बोरा का मर्डर करने का डिसीजन लिया, इसलिए उसने शीना के साथ अपने रिश्ते सुधारना शुरू कर दिया। इंद्राणी शीना की तरफ अफेक्शन दिखाती,
शीना का भी दिल पिघल गया। शीना की एंगेजमेंट की खुशी में इंद्राणी यूके से मुंबई वापस आती है और शीना को मिलने के लिए बुलाती है कि वो उसे साड़ी और रिंग खरीद कर देना चाहती है। इसी वजह से शीना इंद्राणी से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। शायद शीना को लगा होगा कि उसकी माँ ने उसे अपना लिया, पर यह सब झूठ था, एक दिखावा था। और 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा का मर्डर हो जाता है। जब शीना गायब हुई तो सबसे ज्यादा परेशान राहुल मुखर्जी हुआ, क्योंकि शीना पूरी रात घर नहीं आई थी और उसको शीना का मैसेज आता है कि वे कुछ वक्त इंद्राणी के घर रहेगी, जो इंद्राणी ने खुद शीना के फोन से किया था। कुछ देर बाद राहुल को शीना का एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मुझे कोई और मिल गया है और अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। पर इस चीज पर राहुल को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, तो शीना को ढूंढने के बाद जब वो उसे नहीं मिलती तो वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस इस केस को सीरियस नहीं लेती और वो कहती है शीना वापस आ जाएगी, पर राहुल ने अपनी तरफ से काफी ज्यादा कोशिश की और उसे इंद्राणी पर सबसे ज्यादा शक था, इसलिए वो जो भी बात इंद्राणी से करता उन सबको रिकॉर्ड कर लेता और इंद्राणी बार बार अपनी स्टेटमेंट बदल लेती। इंद्राणी मुखर्जी को लगता कि उसने एक परफेक्ट मर्डर प्लान कर लिया है, पर 3 साल बाद एक छोटी सी टिप ने सब कुछ बदल दिया। ड्राइवर के बयान के बेसिस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और काफी छानबीन के बाद पुलिस को शीना की बॉडी के रिमेन्स मिलते हैं। डीएनए रिपोर्ट से प्रूव हुआ कि ये बॉडी शीना की ही है। सभी एविडेंसेस मैच होने के बाद पुलिस ने संजीव और इंद्राणी को अरेस्ट कर लिया और आगे जाकर पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट कर लिया, क्योंकि इसकी कॉल डिटेल से पता चला कि मर्डर वाले दिन पीटर कॉन्स्टेंटली इन दोनों के टच में था। पर काफी और चीजों की वजह से ये केस डिले होता जा रहा था और फाइनली 2017 में जब इंद्राणी और पीटर जेल में थे तो उन्होंने डिवोर्स ले लिया, और जब इंद्राणी जेल में थी तो बेल लेने के लिए वो अलग अलग स्टेटमेंट्स देती थी कि शीना अभी भी जिंदा है, वो कश्मीर में है, कभी बताती वो अमेरिका में है। ऐसी स्टेटमेंट्स वो कंटिन्यू दे रही थी। जितने भी एक्यूज्ड इस केस में थे वो सब खुद को निर्दोष ही बता रहे थे। फिर 2020 में पीटर मुखर्जी को जमानत मिल जाती है, क्योंकि पीटर मुखर्जी का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन इस केस से नहीं मिलता। फिर साल 2022 में कोर्ट इंद्राणी मुखर्जी को भी बेल दे देती है। इस बेसिस पर यह केस काफी सालों से चल रहा है और इंद्राणी 6.5 ईयर्स जेल में काट चुकी है। बाद में ड्राइवर को भी बेल मिल जाती है। अभी सिर्फ राजीव खन्ना ही जेल में है। अभी हाल ही में इस पूरे मामले पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है जिसमें इंद्राणी मुखर्जी को एक विक्टिम की तरह दिखाया गया है, जिस पर लोग काफी भड़क भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक विक्टिम है या मर्डरर? तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।